अगर आप में ये तीन बुनियादी अलामात हैं तो आप दिल के मरीज हो सकते हैं, आप कार्डियक फेलियर के पेशेंट हो सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर उमैर गुल है, मैं कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ, FCPS मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ। नाज़रीन, आज मैं तीन ऐसी अलामात, मेजर बेसिक अलामात आपको बताऊंगा। अगर खुदा ना खास्ता ये तीन अलामात या इनमें से दो अलामात भी आप में हैं तो आप दिल के मरीज हैं, आप कार्डियक फेलियर में जा रहे हैं। पहली अलामत, आर्थोपनिया। आप सीधा लेटते हैं और जैसे ही आप रात को लेटते हैं तो आपका सांस उखड़ता है, सांस फूलता है, इस कंडीशन को बोलते हैं आर्थोपनिया। यानी सीधा लेटने से आपका सांस फूलता है, ये पल्मोनरी एडिमा की वजह से होता है, हार्ट फेलियर की वजह से, फेफड़ों में पानी आने की वजह से ये अलामत आती है। तो ये पहली और बुनियादी अलामत है आर्थोपनिया। नंबर दो, PND, प्रॉक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्निया। आप रात को नींद से एकदम घबराहट के साथ उठते हैं और आपका सांस फूलने लगता है, इसको बोलते हैं PND, प्रॉक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्निया। ये भी बुनियादी अलामत है हार्ट फेलियर, वो लोग जिनका दिल फेल हो रहा है उन पेशेंट्स में ये अलामत आती है। नंबर तीन, पीडल एडिमा, पैरों के ऊपर सोज का आ जाना। पैरों की जो है साथ हड्डी के ऊपर अगर प्रेस किया जाए तो गढ़ा बन जाता है, इसे बोलते हैं पीडल एडिमा। ये भी बुनियादी अलामत है हार्ट फेलियर की, दिल के फेल होने की। खुदा ना खास्ता अगर आप में ये अलामत हैं तो इनको संजीदा लें, अपने डॉक्टर से, मुआलिज से लाजमी राबता करें और अपने बुनियादी टेस्ट तशखीस करवाएं, इलाज करवाएं। उम्मीद है ये वीडियो इस हवाले से आपको लाजमी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, दूसरों के साथ सदकाए जारिया समझ के शेयर करें। दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।